सभी किसान भाई बहनों को मेरी नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू मेहता, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान महाविद्यालय के पारिवारिक संसाधन प्रबंधन विभाग द्वारा जो सब किसान भाई बहनों के लिए जो समय एवं श्रम बचाने की तकनीकियां का विकास करा है हमारे विभाग ने, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो ये है, ये कपास चुगाई का उन्नत बैग, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि आप लोग जैसे सारे ही कपास की चुगाई करते हैं, उसको करने के लिए आप लोग कोई भी कपड़ा लेके, कोई चादर, कोई दुपट्टा, कुछ लेके उसको झोली बना लेते हैं और उसमें कपास की चुगाई करते हैं। तो उसमें क्या है कि हमें आपको अपने हाथों को बार बार घुमाना पड़ता है कि तोड़ते हैं फिर उसको पीछे लेके जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके हाथों में, कंधे में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए इस झोली को बनाया है जिसको कपास चुगाई का बैग कहते हैं। इसमें क्या है कि आपके हाथों को कपास चुन के आगे ही ये झोली की जेब आती है, तो उसमें हम सीधी कपास डाल देते हैं। यहाँ पे जो कंधे पे हिस्सा आता है उसमें पट्टियाँ, फोम डली हुई है जिससे कंधे पे जोर नहीं आता, नहीं तो जो झोली में है कि हमारे कंधे पे और पीछे वाले रीढ़ की हड्डी पे भी थकान हो जाती है, तो वो सब कमी को इसमें दूर होता है। कि साथ ही साथ इसका जब उपयोग होता है तो उसमें हमारे समय की बचत होती है, शारीरिक ऊर्जा की खपत में भी हमारे कमी आ जाती है। जो कपास की चुगाई होती है वो 20% ज़्यादा होती है, मेहनत में भी 50% तक की बचत होती है और हाथों की पकड़ की थकावट में भी 6.3% की कमी आती है, और जो हमारे पीठ के भाग में दर्द होते हैं वो भी कम होते हैं। उसके बाद ये है कैप्रॉन, ये जो आप देख रहे हो इसमें ये पहना रखा है, ये कैप्रॉन है। ये जब भी आप खेतों में गर्मी के मौसम में, थ्रेशिंग में जब कुछ काम करते हो तो बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, तो उसमें क्या है कि वो धूल मिट्टी आपके फेफड़े के अंदर सांस लेते वक्त वो जाती है, वो फेफड़ों में जमती जाती है जिससे कई सांस संबंधी बीमारियां होती हैं। तो इसमें ये मुंह ढक जाता है, सिर ढक जाता है और ये आगे का हिस्सा भी सारा ढक जाता है जिससे हमारे जो है साफ सफाई मेंटेन रहती है। इसके बाद ये है दराती, उन्नत दराती, ये हमने टेस्ट करी है। इसमें क्या है कि इसकी पकड़ बहुत अच्छी है, साथ साथ इसमें ये जो इसके जो दांते हैं इसको हमें तेज नहीं कराना पड़ता। नहीं तो क्या है, आप लोग जो दराती लेते हो उसको कुछ समय बाद उसके दांते खराब हो जाते हैं, फिर वो तेज़ कराने पड़ते हैं। इसमें ये दांते हम जितना इस्तेमाल करते हैं वो उतने ज़्यादा इसमें अपने आप तेज़ होते रहते हैं, और इसका जो ब्लेड है ये भी हमारा टूटता नहीं है, काफ़ी समय तक हमारे साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको प्रयोग करने से भी हमारे समय एवं शक्ति की बचत होती है, साथ साथ हमारी ऊर्जा की भी खपत कम होती है। ये हैं दस्ताने, दस्तानों का प्रयोग हम जब कुछ भी चुनाई कर रहे हैं, जैसे ग्वार तोड़ रहे हैं, भिंडी तोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि ये उसमें जो बहुत कई बार कांटे होते हैं, कोई चुभते हैं तो उससे हमारे हाथों में घाव हो जाते हैं, उन घावों को बचाने के लिए ये दस्ताने हैं। इसमें हवा, ये इस तरफ का ऐसा बना हुआ है कि हवा भी आती रहती है, हमें गर्मी नहीं लगती और इससे भी हम काम को अपने जल्दी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे हमें पता है कि हमारे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको घर में रसोई में काम करना ही पड़ता है, वो रसोई में सारा दिन क्या है, चूल्हे के आगे काम करती हैं, उस चूल्हे में क्या है कि सारा दिन धुआं निकलता रहता है। तो ये कहा जाता है कि एक महिला जब रसोई में चूल्हे के आगे काम कर रही है तो वो दिन भर में एक तरह से 2 पैकेट सिगरेट के, बीड़ी के पी लिए, इतना धुआं उसके अंदर चला जाता है। तो उन सब को देखते हुए ये एक उन्नत चूल्हा बनाया गया था, जिसमें क्या है कि देखने में हमें एकदम जो हमारा पारंपरिक चूल्हा है उसकी तरह ही लग रहा है। ये जैसे ये उसका मॉडल हमारा बना हुआ है। इसमें क्या है कि 2 दीवारें बनी होती हैं और इसमें ऊपर एक ये जाली लगी हुई है, एक जाली नीचे लगी हुई है, तो ये 2 दीवारें दिख रही हैं। इनका क्या है कि नीचे वाली जाली से हवा आती रहती है जिसमें हवा आने से जो ईंधन है वो अच्छी तरह जलता है और उसके कारण धुआं नहीं होता। ये जो ऊपर वाली जाली है उससे जो आंच है वो फैलती नहीं है, वो एक ही जगह बर्तन पर लगती है और 2 दीवारों से
ये जो चूल्हा है वो काफी समय तक गर्म रहता है, जो उसकी आँच है वो बाहर नहीं निकलती। तो इसमें क्या है, एक तो हमारा धुआं नहीं होता, वातावरण स्वच्छ रहता है, बर्तन काले नहीं होते और समय की बचत होती है। जो हम इसमें ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कम इस्तेमाल होता है, जिससे हम उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक और भी, ये हारा भी हमने बनाया है, ये भी इसी तरह का है। जैसे हारा तो आप लोगों को जैसे पता ही है, गाँव में बिना हारे के कोई भी घर काम नहीं चलता, क्योंकि दूध गर्म करना, दाल बनानी, जो कुछ है वो हारे में होता रहता है। पशुओं की चाट बनानी, सबके लिए हारे का काम होता है। तो ये भी उसी तरह से बनाया हुआ है कि इसमें दो दीवारें हैं और अंदर वाली दीवार में छेद हैं और इसको बाद में ऊपर से बंद करा हुआ है, या नीचे से एक इसका खुला रखा हुआ है। तो इसमें जो गोसे डाल देते हैं, गोसे के बाद इसमें जो कुछ भी हमने चाट रखनी है, दूध रखना है, वो रख के ऊपर से ढक देते हैं। तो धीमी आंच पे ये भी पकता रहता है और इसमें धुआं नहीं होता। नहीं तो वैसे जब हम घरों में जब वो जल रहा होता है हारा, तो पूरा घर धुआं धुआं हो जाता है। तो इसके इस्तेमाल से वो भी हमारे धुएँ से वो होता है। इन चीज़ों के अलावा और जो तकनीकियाँ आप लोगों के लिए बनाई हुई हैं, ये है कसोला पहिए वाला, कि जो आप गुड़ाई करते हो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें थकान नहीं होती। ये है धान, जो कुछ भी हमारा अनाज है उसको इकट्ठा करने के लिए, जो आपकी ढेरी बनी होती हैं उससे इसको इस तरह से इकट्ठा करके यूँ हम किसी बोरी में, ड्रम में, जिसमें भी डालना है उसमें डाल सकते हैं। और ये है हमारा कुछ भी भार उठाने के लिए हेडलोड मैनेजर, कि हम सिर पे कुछ भी भार उठा रहे हैं, चाहे चारा ला रहे हैं, चाहे लकड़ियाँ ला रहे हैं, तो वो इसको हम करके ला सकते हैं, जिससे हमारी थकान नहीं होती, समय की बचत होती है। तो ये हमारी कुछ तकनीकियाँ हैं हमारे विभाग द्वारा बनाई हुई। हो सक आपको इसको इस्तेमाल करें, इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये पसंद आई होंगी, और धन्यवाद किसान भाइयों, राम जी।